एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ दुर्गा पूजा शॉपिंग हॉल वीडियो। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहला जो कलेक्शन है ये मेरा जूती है। इसको मैंने ये 84 हील है और बहुत ही कंफर्टेबल है, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। ये मल्टीपर्पज यूजेज है, इसको आप जीन्स सूट साड़ी सबके साथ कैरी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, इसको ये ऑफिस वेयर में काफ़ी अच्छा लगता है। ये लेदर का है, इसकी जो प्राइस है 2000 है, मुझे इसको डिस्काउंट में 1800 तक पड़ा है, तो आप इसको ले सकते हो। मैं कहाँ से लिया है ये, देन मुझे मैंने शायद ये लोकल मार्केट से लिया है, तो आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पर लिया है मोजरी है, ये मैंने राजस्थान से परचेस किया है और देन काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। इसके आपके डिटेल में बता देती हूँ, ये प्रिंटेड नहीं है। सबसे पहले तो ये आपको थ्रेड्स वर्क है और ये जो थ्रेड वर्क है आपका, आप अगर गंदा भी होता है तो आप गीले कपड़े से भी इसको क्लीन कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्लैट है तो आप इसको डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ है और अंदर बहुत ही अच्छा लुक आता है। ये जो ग्रे कलर है ये मल्टीपर्पज़ है, आप किसी भी ड्रेसअप के साथ इजीली कैरी कर सकते हो। इनको वेयर करके मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये किस टाइप का लुक आता है। ये मुझे आई थिंक 300 to 350 तक पड़ा है राजस्थान से, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक क्लच लिया है, अब मैं सारे क्लचेस बता देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये इसमें काफ़ी अच्छी जगह प्लेस है। इसके अंदर आप कोई भी मोबाइल हो उसको आप इजीली आप रख सकते हो। इसके अंदर पैसे वैसे भी रखो, बिल्कुल भी हेवी नहीं लगता। अभी नवरात्रि स्टार्ट हो रही है तो ये थोड़ा सा डांडिया लुक में पैटर्न में लिया है मैंने, और इसके जो कलर भी है बहुत ही अच्छा और यूनिक सा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इसको साड़ी वाड़ी में या फिर ड्रेसअप में डेली में आप कैरी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक आता है। नेक्स्ट मैंने अगेन एक क्लच लिया है, एक वो थोड़ा सा वेस्टर्न टाइप का था, ये थोड़ा सा वो थोड़ा सा इंडियन टाइप का था और ये थोड़ा सा वेस्टर्न टाइप का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर भी आप बहुत ही स्पेस है, इसमें इसके साथ आपको चेन भी मिलेगा। अगर आप इसको कैरी करना चाहते हो, हैंगिंग कर सकते हो, तो वो भी हो जाएगा। एंड इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है, आप इजीली मोबाइल पर्स वगैरह सब कुछ रखो। बस इसमें एक ही माइनस पॉइंट है कि इसमें बस आपको एक ही जिप नहीं है, मतलब सिंगल पॉकेटिंग है। एंड देन न्यूली मैरिड आप, अभी जो वेडिंग सीजन है तो आप इसको कोई भी वेडिंग में आप इसको ले सकते हो। ब्राइडल के लिए बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। इसकी भी प्राइस 1500 है, ये भी मैंने यहाँ पे लोकल मार्केट से लिया था और बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया है। इसको आप ब्राइडल के लिए या किसी पार्टी वेयर में आप यूज़ कर सकते हो। इससे मैचिंग करते हुए मैंने साड़ी परचेस की है, उसकी वीडियो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, तो आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। देन मैं यहाँ पर अगेन आपके लिए राजस्थान की चूड़ियाँ लाई हूँ। ये मैंने बहुत ही अच्छी कलेक्शन है, मैं आपको इसको ओपन करके बता देती हूँ। ये इस टाइप की चूड़ियाँ कलेक्शन है, अब इसको मैंने आपको जूम करके बता दिया है कितना अच्छा कलेक्शन है। ये मुझे ज़्यादा प्राइस नहीं है, अगर आप गैस करो कि ये कितना का पड़ा है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। ये 600 to 700 के अंदर मिला है मुझे और मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। अभी इसको आप करवा चौथ हो गया, दिवाली हो गया, किसी भी हेवी ड्रेसअप के साथ कैरी करो, बहुत ही अच्छा लगेगा आप पे, तो देन आप इसको भी कैरी कर सकते हो। ये भी मुझे राजस्थान से मैंने परचेस किया है। एंड देन ये होता है शाखा, आपको जो भी बंगालीज हैं उनको पता होगा कि शाखा पोला क्या होता है। तो ये जो होती है वो शंख से बनी होती है, तो शंख से बनी हुई है। और सबसे पहली बात तो ये असम गुवाहाटी से मैंने परचेस किया है और ये 500 से स्टार्टिंग होता है, बट इसकी जो प्राइस है थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है, तो ये आपको 700 तक मुझे पड़ी है असम से। और बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट होती है, शंख का बना होता है, तो आपको बहुत अच्छे से इजीली कैरी करना पड़ता है। मतलब आप इसको पहन के बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते, इजीली अच्छे से कैरी करो। पोला भी इसके साथ एक रेड चूड़िया भी आती है जो मैंने यूज़ कर ली है, बट आप देखो बहुत अच्छा है, आप इसको परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट ये बॉक्स है, ये काफ़ी अच्छे बॉक्स है, आप इसको देख सकते हो। ये 1x1, अगर आप इसको गैस करो कि आप ये मुझे कितने में पड़ा होगा, इसकी जो प्राइस मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसकी प्राइस आप लोगों को गैस करनी है कि ये कितने का है। आप मुझे कमेंट करो, मैं कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगी, और आप लोग मुझे बताओ कि ये बैंगल सेट कितने की है। अगर आप लोग अगर बता देते हो कि ये बैंगल सेट ये बॉक्सेस कितने की पड़ी है, वैसे ये मैंने मेले से लिए, तो आप आइडिया लगा सकते हो। अगर आप लोग बता सक दोगे कि ये मैंने कितने में परचेस किए,
तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देखो, अगर आपको आप इसके प्राइस को मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करो और बताओ कि ये कितने की है। तो अब मैंने कुछ मेकअप के प्रोडक्ट लिए हैं, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आई शेडो पैलेट से। बाकी तो आप लोगों ने मेरे आई शेडो देख ही लिए हैं। देन ये है कलर बोर्ड का, एंड देन ये बहुत ही कॉमन है, आपने देख चुके होंगे, ये अमेजन वगैरह पे काफ़ी सेल में है। तो इसका ये देखो ग्रीन है, ऑरेंज है, ब्लू है एंड पर्पल है। ये आपको अमेजन वगैरह अमेजन पे 300-400 के अंदर मिल जाएगा, बट वो ओरिजिनल है या नहीं है देन मैं उसका नहीं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज ये मैंने नायका से जो परचेस किया है मैंने 1800 में परचेस किया। वैसे इसकी प्राइस 2100 समथिंग थी, बट मैंने 1800 में परचेस किया है, ऑफर से चल रहा था अभी नवरात्रि। और इसके जो मैं आपको बता देती हूँ, इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको मैं अभी इससे आपको मैं मेकअप करके ज़रूर बताऊंगी, और आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। अभी ब्राइडल सीजन आ रहा है, तो आप इस आई शेडो को ज़रूर से ज़रूर परचेस करें, बहुत ही अच्छा आई शेडो है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पिगमेंट्स आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। इस ब्यूटी का कंसीलर लिया है, वैसे आपको तो पता है मैं यूज़ करती हूँ NY का कंसीलर, बट स्विस ब्यूटी का भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो शेड है 05 है, मीडियम मोयन, इसका जो शेड है मीडियम मोयन है, और ये काफ़ी अच्छा शेड है। ये आप डस्क की स्किन पे काफ़ी अच्छा जाएगा, ये मेरी स्किन टोन से है, तो आप ये देख सकते हो। कंसीलर जो होता है आपको आपके स्किन टोन से 2 या 3 शेड लाइट लेना पड़ता है, तो आप देख सकते हो कि आपके स्किन पे डस्क की स्किन पे काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर आपकी स्किन टोन में मेरे जैसी है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर परचेस करें। यहाँ पर यूज़ किया है यहाँ पर मैंने परचेस किया है स्विस ब्यूटी का बनाना पाउडर। इसका जो शेड है 02 नंबर है, और इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मैंने यहाँ पे ये मैंने सब नायका से परचेस किया है, और देन बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में है। अभी वहाँ पर नवरात्रि सेल चल रही है, तो बहुत इसका ये पफ आता है, और ये बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इसका जो शेड है, बहुत ही इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत ही माइल्ड, बहुत अच्छा है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर परचेस करें, एंड देन आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसका जो 02 नंबर लो, यह आपके ऑल टाइप स्किन पे जाएगा, आपकी ड्राई स्किन, डस्की हो, फेयर हो, आपके ऑल टाइप की स्किन पे ये वर्क करेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर परचेस किया है ग्लैम 21 का बीबी क्रीम, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। ये इसका नाम है ये बीबी क्रीम। बीबी क्रीम का मतलब, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि बीबी क्रीम का मतलब क्या होता है, लेकिन बीबी क्रीम का मतलब होता है ब्यूटी बाम। अगर आपकी स्किन ड्राई है, वैसे तो ये ऑल टाइप है क्योंकि ऑयल फ्री है, SPF 30 है, तो इसको आप कोई भी यूज़ कर सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप इसको यूज़ करो, आप पे बहुत अच्छा रहेगा। ये ड्राई स्किन पे स्पेशली बहुत अच्छा वर्क करता है, और अगर आपकी स्किन ऑयली है देन आप CC क्रीम लगाओ। CC क्रीम होता है कलर करेक्टर, अगर आपकी स्किन दाग धब्बे होने, पिगमेंटेशन हो रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए आपका होता है CC क्रीम। तो ये बीबी क्रीम बहुत अच्छा है, आप इसको ही परचेस कर सकते हो। तो मैंने ये नैपकिंस का सेट लिया है, इसमें मैंने ब्लू है, वाइट एंड पिच कलर लिया है, तो मैं इसकी साइज़ आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये मुझे 50 रुपीज़ में आई थिंक 3 पड़े हैं, देन बहुत अच्छा रिजनेबल में मुझे मिल रहा था, तो मैंने इसको परचेस किया है। अगर आपको मेरे ये वीडियो प्लीज़ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कलेक्शन साड़ी का कलेक्शन है, ये मेरा बनारसी साड़ी है, तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा बहुत ओपन करके देखती हूँ। मैं पूरा ओपन नहीं करूँगी, इस पर मैं आपको मेकअप करके फिर मैं बताऊँगी कि मैं किस टाइप का लुक आता है। देन ये जो है मैंने आसाम से परचेस किया था, और इसकी जो प्राइस है 6500 रुपये है। ये पूरा थ्रेड वर्क का काम है इसमें, और ये काफ़ी अच्छी शाइनिंग है। और देन आप इस पर मैं मेकअप करके आपको बताऊंगी, फिर आप मुझे बताना कि आपको मेरा ये मेकअप लुक अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, एंड देन इस पर मेकअप लुक करके बताऊँगी बंगाली मेकअप, तो आप मुझे बताना कि किस टाइप का लुक आता है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो। मेरे पास है एक इवनिंग गाउन है,
ये भी काफ़ी अच्छा है, ये फुल नेट का वर्क है, आप देख सकते हो ये नेट का वर्क है। इसका कलर भी बहुत ही न्यूड और बहुत अच्छा लगा। इसमें थोड़ा बहुत डायमंड का वर्क है, इसके अंदर बॉडी बॉर्डर में भी काम करा हुआ है आप देख सकते हो, जिससे थोड़ा सा हेवी लुक आता है। इसका भी मैं इसके ऊपर भी मैं पहन के मैं वीडियो बताऊँगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर भी मैं इन सारे प्रोडक्ट के मैं अच्छे से डिटेल वीडियो में वहाँ पर भी बताती हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करो। तो इसमें देखो मैंने ये अलग से लगवाया है, एंड देन बहुत ही एडजस्टेबल है, बहुत अच्छा है। इसकी भी जो मैं पूरी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। तो मैं आपको एक परफ्यूम ज़रूर बताती हूँ, मेरे वैसे परफ्यूम कलेक्शन तो आ चुके हैं, परफ्यूम बताऊँगी। वैसे विस्की स्मोक है, ये जेंट्स का परफ्यूम है। अगर कोई जेंट्स देख रहा है मेरी वीडियोस, वैसे जेंट्स लोग भी काफ़ी देखते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस देख रहे हो तो ये जेंट्स का परफ्यूम है। ये भी बहुत ही प्यारा है, विस्की स्मोकी कलर, इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा है, ये ब्रेड फ्लेवर का है, ये बहुत ही अच्छा है। इसकी जो फ्लेवर है बहुत 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 अच्छी है इसको, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसकी जो प्राइस है आपको पड़ेगी 1200 रुपीज़, मुझे डिस्काउंट में या 1000 में आई थिंक सो पड़ गया है, बट ये बहुत अच्छा है। इसको मैंने डायरेक्ट, ये भी मैंने नायका से परचेस किया। तो यही रही मेरी छोटी सी वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ देन सब्सक्राइब, और आप लोगों का अपना बहुत 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 ख्याल रखना, एंड टेक केयर, बाय बाय।